Hi guys, hope you are doing good. My name is Puneet Sharma and I am here today with few solutions, simple practical remedies for selling your property at the price you are asking for. बहुत सारी queries, बहुत सारे questions, बहुत सारे mails हमेशा हम लोगों ने couple of days में receive किए, जिसमें कि लोग जानना चाहते थे कि कुछ ऐसे solutions, ऐसे समाधान हम उन्हें दें जो property selling में उनकी मदद करें. और क्योंकि आप सब जानते हैं कि COVID-19 और जो लॉकडाउन की स्थितियां 2020 में रही हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस और रिसेशन को फेस करना पड़ गया. और बहुत बार लोगों ने न्यू स्टार्टअप्स के लिए फंड्स को जुटाने की जब कोशिश की तो वो प्रॉपर्टी सेल ऑफ होने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस करनी पड़ी. ऐसा आप लोगों ने हमसे शेयर किया है. आपके लिए जो समाधान मैं आज लेके आ रही हूँ वो बहुत ज़्यादा सिंपल होने के साथ साथ में जब आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, अपना फीडबैक, अपने जो भी आपके अनुभव होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, क्योंकि यही हमारी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बनती है ताकि हम आप तक नई वीडियोज़ को लेके आ पाएं. सबसे पहले गॉड ग्रेस टीवी चैनल को अपना चैनल समझ के इतना प्यार देने के लिए, इतना सौहार्द देने के लिए धन्यवाद. जिन लोगों ने अभी तक गॉड ग्रेस टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए. और अंत में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी रेमेडीज हम देते हैं वो हमारी अपने एक्सपीरियंस और लोगों के फीडबैक के बाद ही आप लोगों से शेयर करते हैं. तो गारंटीड है ये रेमेडीज और आपको लाभ होगा, इसी हेतु मैं आप लोगों से इन्हें साझा भी कर रही हूँ. सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि कंपास को आप सेंटर पॉइंट पे प्रॉपर्टी के अपने खड़े होके देखिए और चेक कीजिए कि आपने जिस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करना है उसके पेपर्स आपने कहाँ पे रखे हुए हैं. अगर वो नॉर्थ वेस्ट में नहीं है तो उन्हें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, आप जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं, वहाँ पे आप उन्हें प्लेस कीजिए. और उन्हें प्लेस करने के साथ में आपको जो रेमेडी करनी है जिसकी वजह से आपको अपने मनचाही कीमतें मिल जाएंगी, यानी कि लॉस में आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, उसकी गारंटी जो देगा वो रेमेडी है. आपको वाइट फ्लावर एसेंस वाला कोई भी परफ्यूम बॉटल प्रॉपर्टी पेपर्स के साथ में प्लेस करना है. दूसरी चीज़, आप ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को डी क्लटर कीजिए. वहाँ पे अगर गंदगी है तो भी आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करने में दिक्कत महसूस करेंगे, क्योंकि जो भी आपकी प्रॉपर्टी को देखने आएगा हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी के बारे में कंफ्यूज हो और वो डिसीजन ना ले पाए. अगर वो सामर्थ्य भी रखता होगा खरीदने की, वो हो सकता है ना खरीदे. तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी होती है वो ये है कि सेंटर ऑफ हाउस में जैसे ही कोई एंटर करे आपकी प्रॉपर्टी को देखने के लिए, वहाँ पे उसकी जो नज़र है ग्लोब पे पड़नी चाहिए और वो ग्लोब वाइट क्रिस्टल का होना चाहिए. फोर्थ रेमेडी जो आपको करनी है वो है साउथ ईस्ट कॉर्नर, जिससे कि आपकी धन की समस्याएं कम होंगी और आपको लाभ मिलेगा उस प्रॉपर्टी को सेल ऑफ करने से, और वो जो पैसा आपके पास आएगा उसमें बरकत होगी. उसके लिए आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर मारुति यंत्र को प्लेस करना है जो कि इजीली मार्केट्स में अवेलेबल है. उसके साथ में आपने साउथ ईस्ट कॉर्नर पे एक वेल लिट पीस को रखना है, यानी कि यहाँ पे 15 वॉट का बल्ब जो है वो जला के रख सकते हैं. जैसे कोई आपकी प्रॉपर्टी को देखने आता है तो वो इसे पसंद करेगा, इसकी फिर एक एश्योरेंस जो है बननी शुरू हो जाती है. सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब वो एंट्रेंस से आपके घर के अंदर आए तो फ्रंट जो आपका एंट्रेंस है वो डायगनली क्लीन हो. वहाँ पे कोई अगर बहुत सारी गंदगी पड़ी होगी, क्लटर पड़ा होगा, तब भी उसे वो चीज़, वो प्रॉपर्टी पसंद नहीं आएगी. इसके अलावा आपको एक रेमेडी करनी है जो कि गारंटी देगी कि ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत जल्दी बिकेगी और मनचाही कीमत पे बिकेगी. वो ये होता है कि जब भी हम कोई घर खरीदते हैं वो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट का नहीं होता कि वो ब्रिक्स हैं, वहाँ पे आपकी एनर्जी जुड़ जाती है, आपका उस प्रॉपर्टी के साथ एक लगाव बन जाता है, एक अटैचमेंट बन जाती है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी बिलोंगिंग्स वहाँ से हटा देंगे. जो प्रॉपर्टी आपने सेल ऑफ करनी वहाँ से अपनी बिलोंगिंग्स को आप हटा दीजिए. और साथ में जो मेन एंट्रेंस के ऊपर आपके हैंडल और लॉक लगा हुआ है उसको भी चेंज करवा दीजिए. इसके बाद आपको मनचाहे दाम पे आपकी प्रॉपर्टी विद इन फ्यू डेज ही सेल होती नज़र आ जाएगी. और आप हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें. गॉड ब्लेस.